जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम हैं फिलहाल भागलपुर में और आज आप लोग मेरे साथ यात्रा करने वाले हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा IRCTC के इस लॉन्च के बारे में, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा। इस रिक्लाइनर सीट की जो कॉस्ट है मात्र 30 रुपीज है और जो सोफाज आपको यहाँ साइड में दिख रहे हैं ये आपको 20 रुपीज में पड़ेंगे। चलिए इसको कैसे बुक करना है ये सभी चीजें जानते हैं और आप लोग देखिए कि ये कैसा दिखता है। यहाँ का जो टिकट है हम लोगों ने बनवा लिया था, काउंटर नंबर 10 से रिजर्वेशन बुकिंग वहाँ पे होती है, वहाँ से पड़ा हमको 3 आदमी का 120 रुपीस का और ऐसा ही आपको स्लिप मिल जाएगा। इसे आपको इंक्वायरी ऑफिस में देना है जो कि वहीं बगल में ही है। इंक्वायरी ऑफिस से एक आपके साथ आदमी आएगा, अगर ये लॉन्च ओपन नहीं होगा, हमारे समय तो ओपन नहीं था इसलिए एक पर्सन आया हमारे साथ इसे ओपन करने, नहीं तो आपको इंक्वायरी ऑफिस से इसे दिखाना है, वहाँ से एक पर्सन आपको यहाँ पर आके ड्रॉप कर देगा। लगेज वगैरह रखिए और जब तक आपकी ट्रेन नहीं चलती है तब तक यहाँ पर रिलैक्स करिए और फिर सीधा अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ भागलपुर रेलवे स्टेशन का ये जो वेटिंग हॉल है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों को शिकायतें करते हुए स्टेशन से, पर मुझे नहीं लगता कि रेलवे स्टेशन में अगर सही जानकारी हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का साइड और यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज और सामने खड़ी है विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि जाएगी अब से कुछ समय में। वहाँ पर पार्सल ऑफिस है और इस यहाँ पर इस जगह पर आपको आना एग्जीक्यूटिव लाउंज और यहाँ पर आप रेट वगैरह देख सकते हैं। पेड एग्जीक्यूटिव लाउंज 20 रुपीज़ पर आर फॉर सोफ़ा, रिक्लाइनर का 30 और ये रहा अपना लाउंज अंदर से जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे संदीप भाई रेस्ट कर रहे हैं, अभिषेक भाई यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, हमारे एक पर्सनल रूम की तरह हो चुका है और ये जगह सच में बहुत ही अच्छी है। चलिए इन सीट्स की क्वालिटी देखिए आप लोग, कुशन देखिए। चलिए आपको मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये है कुछ ऐसा, यहाँ पे साफ सुथरा वॉश बेसिन और बस ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक ठीक है, काफ़ी साफ सुथरा है, ये मैं आप लोग से बस बात कहना चाहूँगा। तो दोस्तों अपने पीछे गरीब रथ लगा दी जा चुकी है, हल्की हल्की बारिश हुई है और यहाँ थोड़ा सामान ले लिया जाए, उसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रेन में बोर्ड करते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। तो ये रहा अपना कोच, चलिए अंदर देखते हैं कैसा दिखता है। मिडिल और तो आज अपनी गरीब रथ को WMP5 लेके जाने वाला है आनंद विहार तक। तो ये झालमुड़ी अपने को पड़ी 20 रुपए की मात्र तो, और ये गरीब रथ में लिया हमने, देखते कैसा टेस्ट है। अगर बंगाल बिहार में आ रहे हैं तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, झालमुड़ी बढ़िया होती है। हमारी ट्रेन का यहाँ से 1:40 PM का डिपार्चर है, चलने वाली कुछ देर में मिलता हूँ आप लोगों से ट्रेन के डिपार्चर के टाइम पे, इसे जल्दी से फिनिश करना है तब तक। तो मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए वीगो ऐप का यूज करता हूँ। वीगो एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जो आपको फ्लाइट्स, होटल्स एंड एक्टिविटीज बुक करने में मदद करता है, जो कि 100 से ज्यादा वेबसाइट्स, 1000 से ज्यादा रिजल्ट्स को चेक करके कंपेयर करके आपको बेस्ट डील कम से कम रेट में प्रोवाइड भी करता है। हाल ही में वीगो ने IRCTC में ट्रेन टिकट बुकिंग भी शुरू की है, जिसकी बुकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैंने अपनी ये टिकट भी वहीं से बुक की है, आप लोग भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं आपको ट्रेन का जो लोगो है वो मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कीजिए, सोर्स स्टेशन डालिए, डेस्टिनेशन डालिए, डेट ऑफ जर्नी चूज कीजिए, सर्च रिजल्ट में जाइए और जो लिस्ट ऑफ ट्रेन आ रही है वहाँ से अपनी पसंदीदा ट्रेन चुनिए और टिकट को बुक कीजिए। वैसे एक और टिप मेरी तरफ से ये भी है कि भाई जिस रूट में आप ट्रैवल कर रहे हो एक बार फ्लाइट का किराया भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीगो कई बार आपको ट्रेन के किराए से कम किराए में फ्लाइट का टिकट भी प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप लोगों ने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो भाई अपडेट कर लो, क्योंकि बहुत सारे नए और अमेजिंग फीचर्स आपका नए ऐप में इंतजार भी कर रहे हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रैवलिंग को शुरू कीजिए। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल राइट टाइम हमारी ट्रेन चल चुकी है भागलपुर जंक्शन से, यहाँ से आप गोड्डा की ट्रेन पकड़ सकते हैं, साहिबगंज की लाइन पर जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। जो लोग भागलपुर से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा जरूर, और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है बांका एवं दुमका जाने के लिए भी यहाँ से गाड़ी बदलें।
दोस्तों जब मैंने मालदा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था तो भी मिली थी, और इस बार करीब रत्न वाली कुल्लड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है पटना रूट की। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो भागलपुर से पटना मिलती है तो चाय जरूर पीजिएगा। हम लोग पहुँचने वाले हैं आपसे कुछ देर में जमालपुर जंक्शन। तो ये था अपनी ट्रेन का पहला स्टॉप सुल्तानगंज। तो ये है हमारी भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ की यात्रा में सबसे पहली टनल, जो कि जमालपुर के थोड़ा ही पहले आती है। और यहाँ पे नई टनल का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे निर्माण होता है, कैसे काट के बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सीमेंट से पूरा, मिट्टी ना गिरे इसलिए उस चीज़ को पूरा किया गया है। अंदर टनल की खुदाई चल रही है और ये पहली टनल आज के शो। काफ़ी खूबसूरत लगा देख करके, और पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जमालपुर का हेलको लोकोमोटिव। और ये ईस्ट केबिन जमालपुर का, साथ में लुधियाना के WDP लोकोमोटिव खड़े हुए हैं, और उनके पीछे फिर से एक जमालपुर का डीजल लोकोमोटिव। खगड़िया बेगूसराय मुंगेर जाने के लिए लाइन यहाँ से बदली है। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन आ चुकी है जमालपुर जंक्शन, यहाँ से खगड़िया की ओर लाइन गई हुई है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जमालपुर हमारी ट्रेन 2:35 पहुँचती है, और 2:45 तक ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप भी दिया गया है। खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है खैर स्टेशन में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, जमालपुर की जो लोकोमोटिव वर्कशॉप है ऑल इंडिया फेमस है, सबसे बड़ी वर्कशॉप में से एक है। 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। इंडियन रेलवेज़ का यहाँ इंस्टीट्यूट भी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो जमालपुर की इंपॉर्टेंस को और भी बड़ा बनाता है। पहले स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की जो भर्ती होती थी उनका कॉलेज यहीं था, अभी ये सभी चीज़ें शिफ्ट करके लखनऊ पर कर दी गई हैं। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं गरीब रथ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। केवल नाम की गरीब रथ है, ट्रेन में गरीब रथ वाला ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना थोड़ा कंजेस्टेड किया गया है ताकि आम जनता इसमें एडजस्ट कर सके। अब ये आम जनता की राजधानी समझिए, क्योंकि रफ्तार जो होती है वो राजधानी वाली होती है। कंप्लीट 3 टायर की ये ट्रेन है, AC कोच इसमें अच्छे से दिए गए हैं, तो इसलिए इसे गरीब रथ नाम दिया गया ताकि आम जनता को सुविधा पहुंचाई जा सके। 2005 में पहली गरीब रथ चलाई गई थी, जो कि सहरसा से अमृतसर के बीच में चली थी दोस्तों। तब AC चेयर कार भी लगाए जाते थे, और जब ये हमारी आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ खोली गई थी तब इसमें भी AC 3 टायर और AC चेयर कार लगते थे। पर अब ये ट्रेन कंप्लीट AC 3 टायर कोचेस के साथ चलती है, और इसमें टोटल 18 कोचेस दिए गए हैं। देखते हैं अब यहाँ से कुछ समय में डिपार्चर, हमारी ट्रेन कुछ समय में यहाँ से चलने वाली है। और यहाँ बिल्कुल राइट टाइम हम लोग जमालपुर जंक्शन से निकल भी चुके हैं दोस्तों। ट्रेनिंग कम इंस्पेक्शन कार वहाँ पे खड़ी है, और यहाँ जमालपुर की काफ़ी ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। बीच में जमालपुर हावड़ा भी खड़ी हुई थी।
ये जो लाइन आप जाती हुई देख रहे हैं ये जा रही है हावड़ा लाइन की ओर, धनबाद होते हुए हावड़ा की ओर, और इसीलिए क्यूल को जंक्शन कहा जाता है क्योंकि हम लोग अब इस लाइन से यहाँ पे मिलने वाले हैं। भागलपुर जमालपुर लाइन अब क्यूल जंक्शन पे हावड़ा लाइन पे मिल रही है और यहाँ से हम लोग पटना लाइन की ओर बढ़ जाएंगे। गाड़ी खड़ी हुई है हावड़ा गया, गया हावड़ा स्पेशल। हमारी गरीबत शायद रात में 1:30 चलेगी दीनदयाल उपाध्याय के बाद, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कोच 1:30 KMPH के लिए चलने के लिए कैपेबल कोचेज हैं ICF होने के बावजूद। यही चीज़ मुझे गरीबत में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये रहे इसके AC का पूरा सेटअप और ये बीच का जॉइंट, जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा होता है AC का वो यहीं कहीं से गिरता है, खैर अभी तो नहीं गिर रहा, अच्छी बात है, बाकी मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। जब से हम लोग भागलपुर से चले हैं मौसम ऐसा ही है, बारिश का एकदम मौसम हो चुका है, हो सकता है बारिश भी हमें इस जर्नी के दौरान देखने को मिले। यहाँ पे 3:45 पे हमारी ट्रेन क्यूल जंक्शन आ चुकी है। एक्चुअल अराइवल 4 बजे का था, 5 मिनट का स्टॉप, यानी 4:05 में यहाँ से डिपार्चर है। और जंक्शन क्यों है तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ही, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलेंगे ना आपको क्यूल नदी दिखाऊंगा। बाकी लंच वगैरह स्टेशन में काफ़ी धड़ल्ले से बिक रहा है, आपको आसानी से मिल जाएगा, कंप्लीट मील स्टेशन में मिल रही है। तो अगर खाने पीने के लिए इसे आप अपना लंच स्पॉट बनाना चाहें तो काफ़ी सही रहेगा, इसे एक लंच स्पॉट चुन सकते हैं। चलिए डिपार्चर पे आप लोगों से मिलता हूँ, आपको क्यूल नदी दिखाता हूँ। यहाँ हमें प्रोसीड सिग्नल मिल चुका है और अभी आपको WFP5 की हॉकिंग सुनाई देने वाली है। कैसी लगी? चलिए देखते हैं क्यूल नदी। और यहाँ एकदम निर्धारित समय से 4:05 पे हम लोग निकल चुके हैं क्यूल जंक्शन से। यह है क्यूल नदी, से आप देख सकते हैं लोगों के वॉक करने के लिए भी स्पेस बनाया गया है दोनों तरफ ब्रिज से। Thank you.
पे कप्तान राजधानी, पटना राजधानी खड़ी हुई है सामने, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर, और हम लोग पहुंच गए राजेंद्र नगर टर्मिनस। बहुत ही खूबसूरत लगती है पटना राजधानी मधुबनी पेंटिंग के साथ। और प्लेटफॉर्म नंबर दो पर आम जनता की राजधानी यानी हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस खड़ी है जो कि लगा दी जा चुकी है। अभी संपूर्ण क्रांति में भी एंड टू एंड जर्नी करेंगे, हाल ही में पटना राजधानी में जर्नी की थी। तो भाई लोग अभी आपको मैंने पटना राजधानी दिखाई है, अब ये संपूर्ण क्रांति आप देख रहे हैं ना, ये दोनों ही गाड़ी यहाँ से 7:10 के बाद चलती हैं और संपूर्ण क्रांति तो 7:30 के आसपास गाजियाबाद का WAP-7 लगा हुआ है। और ये दोनों ट्रेन्स आज हमें ओवरटेक करने वाली हैं, सबसे अच्छी बात ये है। चलिए ओवरटेक के समय भी आप लोग को दिखाऊंगा, फिलहाल देखते हैं आप पटना जंक्शन। दोस्तों 6:10 का हमारा अराइवल टाइम था, पर यहाँ पे 6 ही हम लोग पहुँच गए हैं पटना जंक्शन। 1862 में स्टेशन को खोला गया था, 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। अब बिहार की राजधानी, इंपॉर्टेंट स्टेशन है, हर जगह के लिए ट्रेन जाती है यहाँ से। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है, यहाँ से आसनसोल के लिए ट्रेन है, गया के लिए है, सोनपुर हाजीपुर के लिए है। साथ ही साथ आपको इस पूरे इलाके में और बड़े बड़े स्टेशन जैसे दानापुर, पाटलिपुत्र, ये सभी स्टेशन भी देखने को मिलेंगे। राजेंद्र नगर टर्मिनल उन्हीं में से एक है, यहाँ पे आपको स्नैक्स और फ्रूट्स जैसी चीज़ें स्टेशन में मिल जाएंगी। पटना जंक्शन में काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, देख करके अच्छा लगा। और बाकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ तक काफ़ी ठीक रहा है। बस अपने मोबाइल वगैरह का ध्यान रखिएगा जब भी अगर आप ट्रैवल करें, तो वीडियो अगर बना रहे तो एकदम आँखें खुली रखनी आपको ट्रैक तरफ, क्योंकि कोई भी छड़ी वगैरह मार सकता है। पटना में सेफ्टी बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से जब हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी। ये है पटना स्टेशन में मिलने वाले स्पेशल फ्रूट्स जो आप सीज़न के तौर पर अवेलेबल रहेंगे, आपको आप यहाँ से खा सकते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली 6:20 हम लोग निकल चुके हैं पटना जंक्शन से, शाम हो चुकी है और लेकिन गरीबत को राइट टाइम डिपार्चर दे दिया गया है। वैसे दोस्तों इस जर्नी का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले पार्ट में जहाँ पे हम लोग पटना से आनंद विहार तक के सफ़र को देखेंगे और हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आनंद विहार तक 130 की रफ्तार में चलने भी वाली है। साथ में आपको टूंडला, अलीगढ़ ऐसे स्टेशंस और 130 की रफ्तार दिन में देखने को मिलेगी। और बेहतरीन बात यह है कि रात में पटना राजधानी और संपूर्ण क्रांति हमको बहुत ही तेज़ रफ्तार में ओवरटेक करने वाले हैं। तो पार्ट टू में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।